हमारे बीच उपस्थित रांची आर्ट डायसिस के महामान्य आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो एसजे हमें आशीर्वचन से अनुग्रहित करेंगे। महामान्य आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो एसजे आपका जन्म 21 नवंबर 1947 को टोंगो में हुआ। ईश्वर की दाखबारी में काम करने के लिए आपने 1968 में सोसाइटी ऑफ जीजस में प्रवेश किया और 14 अप्रैल 1982 को आपका पावन पुरोहिताभिषेक हुआ। आपने ग्रिगोरियन यूनिवर्सिटी रोम से मास्टर इन साइकोलॉजी की पढ़ाई की। उसके बाद संत अल्बर्ट कॉलेज रांची के वाइस चांसलर रहे। तत्पश्चात 27 सितंबर 1997 को आप जमशेदपुर धनक्रांत के बिशप बने तथा जहां रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष रहे। महामान्य फेलिक्स टोप्पो एसजे आपको संत पापा फ्रांसिस ने 28 जून 2018 को रांची आर्च डायसिस के आर्च बिशप नियुक्त किया। मैं महामान्य आर्च बिशप टोप्पो फेलिक्स टोप्पो को आशीर्वचन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। आइए हम एक बार जोरदार तालियों से उनका मंच पर आमंत्रित करें। प्रिय बिशप भाइयों, पुरोहितगण और सिस्टरगण और सभी मेरे प्रिय, मैं तो कहूंगा बेटे बेटियों, आप सोच रहे होंगे अरे ऋषभ स्वामी तो उपदेश लंबा चौड़ा दिया था और अभी क्या बोलेगा। तो मैं आपको तीन बिंदु पर बोलना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु है हमें प्रत्येक जन को अपने अस्तित्व पर अपनी जो अपना जो सेल्फ है उसके ऊपर मनन ध्यान करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जा रहा हूं। इस पर हमको गहराई से विचार करना पड़ेगा और हम विचार करेंगे तो पाएंगे कि आप में हर एक व्यक्ति में दो पहलू हैं। एक है लौकिक पहलू, अर्थात हम एक दूसरे को देखते हैं, हम अपने आप को जानते हैं, हम भावनाओं का अनुभव करते हैं और सब सब कुछ जो हम खाते पीते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, माता पिता है, भाई बहन है, ये सांसारिक पहलू है। हम इसमें पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये तो लौकिक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू है वो आध्यात्मिक पहलू है, उसको भी कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं परमात्मा के द्वारा सृष्टि की हुई आत्मा मुझ में है। हिंदू लोग बहुत बढ़िया बोलते हैं कि परमात्मा आत्मा दो बात लोग बोलते हैं ना, आत्मा है और मैं परमात्मा है, मैं आत्मा हूँ, जिसमें बहुत घनिष्ठ संबंध है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। तो अपने अस्तित्व को सोचना हमारा बहुत सोचना विचार करना तो मनन करना ये इसको कभी मत भूलिएगा। और हमारा जो धर्म है क्रिश्चियन धर्म, हमको इसके बारे में बहुत जोर देता है, बहुत जोर देता है। बहुत बार हम लौकिकता पर खो जाते हैं और आध्यात्मिकता को भूल जाते हैं। तो मेरा पहला बिंदु यही है कि आप अपने आप पर विचार कीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि मेरा मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर आप मनन ध्यान दीजिए। दूसरा बिंदु है कि आपको जीवन में सही निर्णय लेना पड़ेगा, निर्णय सही होना चाहिए, निर्णय कभी गलत नहीं होना चाहिए। और निर्णय आप ले सकते हैं क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आपको प्रज्ञा दी है, आपको विवेक दिया है, सोचना समझना चाहिए। जो भी कदम उठाते हैं उस पर आपको सोच समझ कर ही निर्णय लेना चाहिए, आंख मूंद कर नहीं,
या तो बहकावे में नहीं, कभी कभी हम भावना में इतना बह जाते हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं, वो गलत गलत। तो हमको जीवन में निर्णय लेना है और सोच विचार करके, तर्क तर्क करके आप अपने 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 आप में और विवेक से तब सही निर्णय लेना चाहिए। और सही निर्णय, सही का मतलब क्या है? सही का मतलब है कि जो हमको ईश्वर से मिला है, अर्थात हमारे लिए है कि मैं, मेरा संबंध जो ईश्वर के साथ है, प्रेम का संबंध, मेरा जो संबंध है मनुष्य के साथ, इसको हमको एकदम अपने मन में रखकर निर्णय लेना है। अगर हम सही निर्णय नहीं लेते हैं तो हम अपने आप को एक तरह से नष्ट कर देते हैं। और सही निर्णय हम ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, हमें स्वतंत्रता की बहुत बड़ी कृपा है। स्वतंत्रता की कृपा ईश्वर ने इसी दी है कि मैं ईश्वर भी ईश्वर को कह सकता हूँ मुझे तेरी जरूरत नहीं है। इतनी ज्यादा स्वतंत्रता ईश्वर ने दी है, वो जबरदस्ती नहीं करता है, कभी भी जबरदस्ती नहीं करता है, वह आमंत्रित करता है, आमंत्रित करता है, निमंत्रण भी देता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करता। तो हमें स्वतंत्र होकर अपने तर्क से, बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए सही निर्णय लेना पड़ता है। और अभी आप युवा हैं, आपको अभी निर्णय लेने का समय है। आपको जैसे आप सोचेंगे कि मुझे कौन सा जॉब पकड़ना है, या तो फिर जब आप परिवार बसाने की सोचेंगे तो किसके साथ हमारा परिवार अच्छा चलेगा, ये सारी चीज आपको सोचना पड़ेगा। तो सही निर्णय लेना आवश्यक है। और कभी कभी आप दोस्ती करते हैं, मित्र करके मित्रता करते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या यह मित्रता सही है, क्या यह मित्रता मेरे लिए लाभदायक है या मुझे अनिष्ट की ओर ले जा रहा है, या उनके लिए ठीक नहीं है जिसके साथ मैं मित्रता कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो इस सबको भी आपको ध्यान देना है। अभी जैसे हम लोग बिशप लोग हैं, हम लोग को खबर मिलती रहती है, माँ बाप लोग आकर रोते हैं कि मेरा लड़का बिगड़ गया है, नशाड़ा नशेड़ी करता है, ये करता है, वो करता है, आदि सब लोग बात करते हैं। तो मेरी लड़की भी गड़बड़ा गई उसके साथ, उसके साथ तो ये सब बातें होती। इसलिए आपको सही निर्णय लेना पड़ेगा, एकदम सही निर्णय। यहीं पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत हमने देखा है जमशेदपुर में भी, यहाँ भी, कि बहुत बार लड़कियां ज्यादा पढ़ गई, उनकी डिग्री भी हो गई है और लड़के पीछे रह गए हैं, और लड़कियों के लिए लड़के नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं। और इसलिए बहुत सारी लड़कियां हिंदू मुस्लिम लोग के साथ चली जा रही हैं, और हम लोग देखते हैं, हम लोग को बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। इसलिए मैं लड़कों से अपील करूंगा कि आप अपने को योग्य बनाइए, योग्य बनाइए ताकि मैच मिल सके। ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है, इस पर जरूर आप विचार कीजिएगा। तीसरी बात मैं कहूंगा और समाप्त करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं परिपक्व व्यक्ति बनना चाहता हूँ, परिपक्व व्यक्ति, अर्थात मुझमें शालीनता होनी चाहिए, मुझमें सौम्यता होनी चाहिए, मेरे बात विचार व्यवहार ऐसे होने चाहिए कि लोग ये समझे कि ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, धीरजवान है, समझदार है, ऐसा लोग सोचे कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि आप बड़ों का सम्मान, जो परिपक्व होता है वो बड़ों का, बुजुर्गों का, अधिकारों का सम्मान करता है, ये अच्छा संस्कार है। फिर जो परिपक्व व्यक्ति होता है वो कर्तव्य निष्ठ होता है, निष्ठावान होता है, उसे जो उत्तरदायित्व दिया जाता है उसको वह निष्ठापूर्वक पूरा करने की कोशिश करता है। और जो परिपक्व व्यक्ति होता है वह अपनी भावनाओं का मालिक होता है, भावनाओं का मालिक होता है। और जो जो परिपक्व नहीं है उनके लिए क्या होता है कि भावनाएं उस व्यक्ति का मालिक बन जाती है, उसको कंट्रोल करते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी भावनाओं को समझिए, आपको समझना चाहिए कि अरे मुझ में क्रोध की भावना बहुत मजबूत है, तो हमको उसको संयम में रखना है।
या तो डर की भावना बहुत मजबूत है, तो हमको संयम में रखना, हमको सोचना चाहिए कि मैं क्यों डरूं। इस तरह से अपने को सोच समझ कर संयमित रखना पड़ेगा। और जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति होता है, अपने क्रोध को प्रकाशित करता है, अनशन क्या क्या बोलता है, फिर कहीं उनका हंसना 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 बिना 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 परिस्थिति का वो हंसना अल्लाह करेगा, वो सब गलत है। और रोना धोना भी क्यों भी मतलब का रोना धोना। एक ब्रदर था, उसको कम मार्क्स मिला तो टॉयलेट रूम में जाके खूब रो रहा था जोर जोर से। तो आप अपरिपक्वता का चिन्ह है। और ऐसे बहुत घटनाएं होती है। मैं तो रोने की बात कर रहा हूँ, बहुत लोग आत्महत्या भी कर देते हैं, सुइसाइड भी कर देते हैं आजकल। तो इसके लिए और जो परिपक्व व्यक्ति है वो नम्र रहता है, नम्रता की उसमें भावना रहती है, अपने को नम्र समझता है, अपने को छोटा समझना नहीं लेकिन एक तरह की नम्रता कि मैं दूसरों का सम्मान करता हूँ, अपना भी सम्मान करता हूँ, दूसरों का भी सम्मान करता हूँ, ये होना चाहिए। अर्थात आत्म सम्मान होना चाहिए। आत्म सम्मान बहुत जगह में दिखा सकते हैं, जैसे व्यवहारिक रूप से खाने पीने के अवसर पर, या तो बहुत जगह आत्म सम्मान अपने को प्रदर्शित कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, जो परिपक्व व्यक्ति होता है वो कर्तव्यनिष्ठ होता है, वो वचनबद्ध होता है, अर्थात वो सोच विचार कर वचन देता है और उस वचन को पूरा करता है, परिपक्व व्यक्ति। तो ये सब बात को आप याद कीजिए और तब आपका जीवन सफल होगा। मैं इन्हीं तीन बिंदुओं को बोलना चाहता था, अपने अस्तित्व पर मनन ध्यान करना, सोचना कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और सही निर्णय लेना, और तीसरी बात कि मैं अपने को परिपक्व बनाऊं, परिपक्व मुझे अपने को बनाना है, परिपक्व रहना है। इतना ही कहकर मैं अपना छोटा वक्तव्य समाप्त करता हूं। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से निवेदन करता हूं कि ईश्वर आप से प्रत्येक को अपनी भरपूर कृपा, अपना सारा वरदान दे। जय श्री। महामान्यवर ऋषभ स्वामी, आपने हमें अपने प्रेरणादायक वचनों से प्रोत्साहित किया है। हम सभी युवाओं को जीवन में सभी सही निर्णय लेने, सही सलाह दिए हैं जो हमारे लिए अच्छा है। अतः मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ। इसके लिए हम लोग पुनः जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करें। अभी के